होशंगाबाद रीनेमिंग का मैटर कोर्ट के सामने निकला था दोपहर में 2:30 बजे। उसमें एडवोकेट मुशादा साहब ने आर्ग्यूमेंट शुरू किया, वो आर्ग्यूमेंट काफी लंबा चला, लगभग 4 बजे तक सामने वो आर्ग्यूमेंट चला। अभी कोर्ट जो है ये मैटर सुन ही रहा था, उसके बाद में उसमें ये डिसाइड किया गया कि कल इस मैटर की बारे में बची हुई जो सुनवाई है वो दोपहर से फिर से रखी जाएगी। आज के लिए यही अपडेट है कि ये मैटर कल फिर कोर्ट के सामने निकलेगा, जिसमें बाकी पॉइंट्स आने हैं, एडवोकेट एस एल काजी की तरफ से भी आने हैं, और जो कोई अगर पिटिशनर की तरफ से कोई बात रखना चाहेगा उनका एडवोकेट तो वो भी रख सकेगा। उसके बाद अटॉर्नी जनरल का जवाब आकर फिर कोई निर्णय इसमें आएगा। और आज जो है सारे हिस्टोरिकल पॉइंट्स और थोड़ा गाइडलाइंस के ऊपर कितनी चर्चा हुई है, कल बाकी की सुनवाई है। आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस और आरएफ डॉक्टर जज, इनके सामने ये दोनों ये मैटर्स कॉलर्ड हुए, और इसके बाद में द मैटर वॉज कॉल्ड आफ्टर 2:30 PM। सीनियर काउंसिल मिस्टर यूसुफ मुशाला आर्ग्यूड द मैटर ऑन बिहाफ ऑफ वन ऑफ द पिटिशनर हु हैज फाइल्ड PIL, एंड हिज आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यूड अप टिल 4:30, एंड देयरफॉर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड अनदर जज, दे हैव रिक्वेस्टेड ऑल दी एडवोकेट्स दैट वी शुड कंटिन्यू अवर आर्ग्यूमेंट्स ऑन नेक्स्ट डे, दैट इज टुमारो। तो होपफुली टुमारो द मैटर रिगार्डिंग रीनेमिंग ऑफ औरंगाबाद वुड बी कंक्लूडेड, एंड देयर आफ्टर द मैटर रिगार्डिंग रीनेमिंग ऑफ उस्मानाबाद वुड बी टेकन। स्टार्ट है आज मुंबई हाईकोर्ट ने औरंगाबाद शहर के कस्बे के नाम पिटिशन चीफ जस्टिस और जस्टिस आर.एफ. डॉक्टर साहब के बेंच के सामने हुई। हमारी पिटिशन में हमारे तरफ से एडवोकेट यूसुफ मुशाला साहब, उनके साथ ही सजय अहमद खान, मोहम्मद शेख और सभी उनके एडवोकेट रहमान सुशील सिंह वहाँ मौजूद थी। यूसुफ मुशाला साहब ने औरंगाबाद की तारीख पर तकरीबन 2 घंटे के बहुत ही जबरदस्त और सुखों के साथ और दलाल के साथ पिटिशन अपनी बहस की। एक तो औरंगाबाद का सारी से डायग्राम उसे बताया कि औरंगाबाद एक हिस्टोरिकल शहर है और औरंगाबाद के हिस्टोरिकल शहर होने की वजह से उसका नाम नहीं बदला जा सकता। गवर्नमेंट की जो 1953 की गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं की गई है, इसलिए ये जो नोटिफिकेशन निकाले गए ये गलत है, ऐसे मुझे सारा साहब ने न्यायालय में कहा। और सबसे अहम बात जो उन्होंने कही, आज आधा एक घंटा सिर्फ दस्तूर हिंद के जो सेक्युलरिज्म के जो कानून है उसके बाद हिंदू मुस्लिम इतिहाद और मुल्क की इंसानियत सेक्युलरिज्म और ये सब चीज़ों को लेकर जो हमको जो सोसाइटी बनाना चाहिए जहाँ हम सब मिलकर रहना चाहिए, इस माहौल को कायम रखने के लिए नाम नहीं बदलना चाहिए, इसका उन्होंने सख्ती से कहा। और तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा बहस हुई और बहस की गुजरत रही, ये हमें यकीन है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। और आज 2 घंटे बहस खत्म होने के बाद कल फिर 3 बजे बहस रखी गई और आने वाले जो कल शाम तक इस पर बहस होगी और कल इंशाल्लाह हमारी बहस मुकम्मल होगी। लेकिन यूसुफ मुशाला एडवोकेट यूसुफ मुशाला ने इतनी बेहतरीन आज बहस की कि दस्तूर पर, सेक्युलरिज्म पर, कल्चर पर, तारीख पर, औरंगाबाद की हिस्ट्री पर, औरंगाबाद के बैकग्राउंड पर और हिंदू मुस्लिम इतिहास पर जो तकरीबन 1.5-2 घंटे की थी वो जब तो काफ़ी मुतासर की और हमें इंशाल्लाह यकीन है कि हमें इसके इंसाफ मिले।